विधायक हर्ष यादव ने आयोजित किया पत्रकार मिलन समारोह। देवरी विधानसभा क्षेत्र के समस्त पत्रकार हुए शामिल। रामचरितमानस शॉल और कलम भेंटकर सभी का किया स्वागत। दीपावली एवं आगामी एकादशी पर्व को लेकर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी देवरी क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें देवरी विधानसभा क्षेत्र के समस्त पत्रकार उपस्थित रहे। विधायक हर्ष यादव ने इस अवसर पर उपस्थित हुए देवरी, गौरझामर, केसी, महाराजपुर के सभी पत्रकार साथियों का रामचरितमानस शॉल और कलम भेंटकर दीपावली एवं एकादशी पर्व की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक हर्ष यादव ने समस्त पत्रकारों से देवरी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सहभागी बनने एवं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए समस्त मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों से आए हुए वरिष्ठ पत्रकार साथीगण, सबका आज दिवाली और आने वाली एकादशी की अग्रिम शुभकामनाओं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो छोटा सा कार्यक्रम बीच में रखा गया था, लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि हम और आप बैठे और कहीं ना कहीं संवाद भी हो, आस प्रयास भी हो और कहीं ना कहीं जो हम लोग का पुराना रिश्ता रहा है, सब संबंध रहे और जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, आप सभी साथियों का बेहद महत्वपूर्ण भूमिका हर समय मुझे मिली है। चाहे कितनी विकट परिस्थितियां हो, कितनी कठिन समय रहा हो, आप सबका बेहद नजदीकी से आदमी हमें सहयोग मिला है। तो नई साल की दिवाली के बाद हम लोग ये मानते हैं कि जितने शुभ कार्य हम लोग हिंदू रीति रिवाज और अन्य धर्मों में सभी में शुरू होते हैं, लेकिन इस शुरुआत के साथ इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में आप लोग बेहद जागरूक और कर्मठता के साथ, पूरी श्रम शक्ति के साथ काम करते हैं और बहुत सारी चीजें, वो चीजें जो हम जैसे लोग लगातार लोगों के बीच में जीवन संपर्क में रहने के बाद भी वो चीजें उजागर नहीं कर पाते हैं जो आप लोग कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका देवरी विधानसभा क्षेत्र में है। चाहे वो कृषि के क्षेत्र की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार के क्षेत्र की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक विकास के, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में आप लोगों की बहुत अहम भूमिका रही है और आप लोगों ने उसका बेहद अच्छे तरीके से पालन भी किया है। अंत में क्योंकि सामान्य औपचारिक हम लोगों की बैठक थी संबंधों के आधार पर, मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर इस क्षेत्र में, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सब लोग एक अच्छी मनोभावना के साथ, अच्छी सोच के साथ देवरी का संस्कृत और सम्मानीय विकास विकास जो हम लोगों ने कल्पना की है। और बहुत सारे साथी तो हमारे पत्रकार साथी ऐसे जो बहुत युवा हैं, कहीं ना कहीं युवाओं का एक जोश और उत्साह है, एक सोच अलग होता है। वरिष्ठ पत्रकार जो बैठे हैं, हम लोग की अलग सोच होती है, जो पीढ़ी का अंतर होता है, तो निश्चित रूप से बुजुर्ग पीढ़ी और नई पीढ़ी के पत्रकार हम जैसे वरिष्ठ तम वाले हो गए, हम लोग नेताओं में भी उम्र के हिसाब से निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर दूरी का एक अच्छा नक्शा तैयार करें। इसके लिए आप लोग सब जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह का काम करते रहे। जहां मेरी उपयुक्त समय में आए, मैं आप लोगों के बीच में तन मन धन से आपके बीच में हूँ, आपके साथ में हूँ और इसी सोच के साथ कि हम सब मिलकर अपने परिवार का, अपने घर का, अपने बच्चों का समुचित विकास कर सके, आगे बढ़ा सके और क्षेत्र के विकास के लिए हम परिवार के साथ साथ क्षेत्र के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकें, इसी भावना के साथ बहुत बहुत एक बार पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाली एकादशी। आज अद्भुत भेंट पत्रकारों को दी गई है श्री रामचरितमानस। इस भेंट के हम सभी पत्रकारगण बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद दे